नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हाल में मध्य प्रदेश के कई शहरों में राम मंदिर निर्माण के फंड रेजिंग ड्राइव के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में वायलेंस के इंस्टेंसेस एमपी के मालवा या निर्माण क्षेत्र में हुई। इस इलाके में राम मंदिर को लेकर दक्षिण पंथियों की तरफ से प्रोवोकेशन का एक लंबा इतिहास है। लगभग 30 साल पहले सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा के दौरान यहां विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट खून के उनको टीके लगाते थे। प्रख्यात लेखक एजी नूरानी ने अपनी किताब द आरएसएस एंड द बीजेपी डिविजन ऑफ लेबर उसमें लिखा है, वॉलंटियर्स ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ देयर ब्लड एज प्रूफ ऑफ देयर कमिटमेंट एंड केप्ट हिम कंपनी थ्रू आउट द रायट्स दैट फॉलोड वर देयर हैंडीवर्क एट उज्जैन दे प्रेजेंटेड हिम विद वेपन्स एंड एज अ स्कॉलर प्रोफेसर रिचर्ड एच डेविस ऑफ येल रिकॉर्डेड often welcomed him by applying a ritual mark of blood on his forehead. ध्यान देने वाली बात है, जिन संगठनों ने मध्य प्रदेश में अभी कम्युनल वायलेंस को उकसाया है, वे फॉर्मली संघ परिवार के हिस्सा नहीं हैं। पार्ट ऑफ द संघ इकोसिस्टम उन्हें कहा जाता है। फॉर्मली तो विश्व हिंदू परिषद का लगभग डेढ़ महीना लंबे चलने वाला प्रोग्राम 15 जनवरी को शुरू होगा और 27 फरवरी तक चलेगा। लेकिन इस राउंड ऑफ वायलेंस में जो इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और धार जिलों में हुआ है, पैटर्न वही पुराना है। जलूस निकाला जाता है, रूट ऐसा तय किया जाता है जो मुस्लिम लोकैलिटीज या फिर मुस्लिम मेजॉरिटी लोकैलिटीज में से गुजरती है। प्रोवोकेटिव स्लोगन्स दिए जाते हैं, पता नहीं कौन पहला पत्थर चलाता है, लेकिन देखते ही देखते दंगा भिड़ जाता है। इस बार फॉर्चुनेटली हिंसा में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स पूरी तरह से एक तरफा था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंदौर में एक्शन के नाम पर मुसलमानों के एक गांव चंदन खेड़ी में नए मकानों को डिमोलिश किया। उन्होंने कहा कि वे इलीगल थे। उस गांव के कई मुसलमानों को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी तक जिन्होंने प्रोसेशन निकाला था उनमें से किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप्स को कंडोन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक नया ड्रेकोनियन लॉ वो लाने वाले हैं। दिस न्यू लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड ऑन द लाइंस ऑफ द उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020, but with more stringent provisions. हालांकि पथराव और public disturbances को रोकने के लिए administration के पास existing कानून हैं, फिर भी एक नया कानून लाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, MP government भी UP की नकल करना चाह रही है। BJP सरकार 25 दिसंबर को क्रिसमस को छोड़ अटल बिहारी वाजपेयी की याद में उनके जन्म दिवस पर
सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है, गुड गवर्नेंस डे। लेकिन यूपी सरकार के पदचिन्ह पर चलने कोई गुड गवर्नेंस की निशानी नहीं है। चौहान ऑलरेडी इंटरफेथ शादियों के खिलाफ एंटी कन्वर्शन बिल अपने कैबिनेट में पास करवा चुके हैं। मैंने जनवरी 15 से शुरू होने वाले फंड रेजिंग कार्यक्रम का जिक्र किया था। क्या इसका अयोध्या आंदोलन के इतिहास में कोई पैरेलल्स हैं? क्या इस पुराने डिविसिव प्रोग्राम को दोहराया जा रहा है? अहमदाबाद में जनवरी 5, 6 और 7 को संघ परिवार की समन्वय बैठक संपन्न हुई। कोरोना काल में ये सबसे बड़ी उनकी गोष्ठी थी। संघ परिवार के लगभग 35 संगठन के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। फोकस था संघ परिवार अपने एजेंडे को कैसे बढ़ाया जाए। इतना बड़ा एक क्राइसिस है देश के सामने, लेकिन अपने एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संघ परिवार की विचारधारा का मुख्य बिंदु है। पिछले 4 दशकों से इस सोच के इंक्रीज्ड सपोर्ट का मुख्य कारण राम जन्मभूमि और कम्युनली प्रोवोकेटिव रैलीज एंड प्रोसेशंस एक मुख्य कारण है। शायद इसी कारण संघ परिवार के नेताओं ने ये तय किया है अब कि फंड रेजिंग के नाम पर अनप्रेसिडेंटेड मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम अब लॉन्च किया जाए। द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस करेंट कैंपेन इज इट्स इंटरकनेक्टेडनेस। टेक्निकली राम मंदिर का क्राउड फंडिंग का कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है। इस ट्रस्ट को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थापित किया था। अगस्त 2020 में भूमि पूजन का जो कार्यक्रम था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया, वो भी ट्रस्ट का ही कार्यक्रम था। सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं था। फंड रेजिंग प्रोग्राम में मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम को ट्रस्ट नहीं चला सकती, क्योंकि उनके पास कोई काडर का बड़ा नेटवर्क नहीं है। नाउ द विश्व हिंदू परिषद इटसेल्फ, एज अ रिजल्ट द विश्व हिंदू परिषद विल बी द वन दैट विल लॉन्च दिस प्रोग्राम फ्रॉम द 15th ऑफ जनवरी। नाउ द विश्व हिंदू परिषद इटसेल्फ, although having a wide network in the country, does not have people to reach out everywhere. So it will be the Rashtriya Swayamsevak Sangh or the RSS that through its Shakha network which will provide the manpower for this program. Political cronyism ke instances humne Ram Janmabhoomi Andolan ke dauran pehle bhi dekhe hain. Lekin पहली बार प्रत्यक्ष रूप से सरकार को, खास तौर से प्रधानमंत्री के ऑफिस को, इस तरह से डायरेक्ट राजनीतिक क्रोनिज्म का हिस्सा या फिर उसमें शामिल होते हम देख रहे हैं। संघ परिवार ने जनवरी 15 से लॉन्च होने वाले प्रोग्राम का टारगेट को बहुत हाई रखा है। 5 लाख गांव में अपने काडर को टच बेस कराना है। इरादा है कि 10 करोड़ परिवारों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया जाए। आरएसएस के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने अहमदाबाद में समन्वय बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने कहा, संघ की एक्सपेक्टेशन है कि हिंदुस्तान का हर परिवार राम मंदिर के लिए कुछ फिनेंशियली डोनेट करेगा, न्यूनतम 10 रुपए, जो उनसे ज्यादा संपन्न है 100 से लेके 1000 रुपए, और जो उनसे भी ज्यादा संपन्न है उससे कहीं और ज्यादा। दिस कैंपेन विल इफेक्टिवली एंडेंजर एनी सिटीजन ऑफ एनी रिलीजन हु
refuses to donate money for this particular program in the way it is being done. Decline, when the RSS volunteer comes to your door and asks for donation and you refuse, you would be immediately labeled as a person of a different political orientation. Decline karne walon ko Ram virodhi to kaha hi jayega. Saath hi ye bhi bola jayega ki ye desh ya phir rashtra virodhi log hain ya tatva hain. Krishna Gopal ne ye bhi bataya ki sangh parivar ne is scale par mass contact program 31 varshon se आयोजित नहीं किया है. क्या था वो पुराना प्रोग्राम जिससे राम जन्मभूमि आंदोलन ने इतना जोर पकड़ लिया था? बात दरअसल 1989 की है. लोकसभा चुनाव का वर्ष था. राजीव गांधी सरकार तमाम करप्शन स्कैम से पूरी तरह से घिर चुकी थी. संघ परिवार के नेताओं ने डिसाइड किया that it was an appropriate or an opportune moment to press the accelerator on the Ram temple issue. Allahabad mein, ji, tab tak shahar ka naam badla nahi gaya tha. Wahan kumbh mela chal raha tha. VHP ne apne marg darshak mandal ki meeting bulai. Faisla hua 9 November 1989 ko अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ठीक सामने शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा. उस प्रोग्राम के सपोर्ट में राष्ट्रव्यापी राम शिला पूजन और राम शिला यात्राओं का कॉल दिया गया. द शिलान्यास प्रोग्राम एंड रिचुअल वॉज इंटेंडेड टू डिक्लेयर इंटेंट फॉर द राम टेम्पल एट अयोध्या एंड टू मार्क the site. But more significantly, the Shila Pujan Yatra is what gave the agitation for the Ram temple at Ayodhya a mass character. Special bricks with Shri Ram inscribed were manufactured, transported to several lakh villages, towns and cities. Rituals were conducted to consecrate these. People gathered in hundreds at small temples and thousands joined these processions carrying the bricks. Us waqt bhi fundraising ki gayi thi, coupons chhape gaye the, bikri hui thi, 1.25 rupya, 5 rupya, 10 rupya ke coupons ki. Jinhone chanda diya ya phir yatraon mein shamil hue, unhe sense of participation hua tha. They felt connected with a larger society of Hindus beyond their villages, towns or cities. VHP ke ek pamphlet Shila Pujan Ram Mandir ki or, usme likha tha, Shila Pujan karyakram ne Hinduon ko ek sense of belonging pradan kiya tha. VHP ka ek dusra newsletter उस वक्त अपने कार्डरों में डिस्ट्रीब्यूट होता था. इसके सितंबर 1989 के अंक में लिखा था कि दैट ईयर वाज़ द टेक ऑफ ईयर फॉर द विश्व हिंदू परिषद फॉर एक्सपेंशन ग्रोथ एंड क्रिएटिंग हिंदू कंसोलिडेशन एंड एनर्जाइजिंग. फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉ ने अपनी किताब हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट में इस भावना को नेशनलिस्ट डिवोशनलिज्म कहा था. रामशिला यात्राएं हर गांव और शहर से निकाले गए थे, मतलब जो उनका टारगेट था, मेथड वही था. ऐसे रूट चुने जाते थे जो मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी से गुजरते थे, भागलपुर, कोटा, बदायूं और इंदौर. जी हां, इसी इंदौर में जिसकी जिक्र मैंने इस कार्यक्रम में पहले किया था, वहां भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए. एवरीवेयर द स्टोरी वाज द सेम. द रामशिला यात्रा व्हेन क्रॉसिंग अ मुस्लिम द
dominated locality would slow down, slogans would get more provocative and violence would erupt. Home Ministry ne ek report internal circulation ke liye likha tha, jisko circulate kiya tha sarkar mein. Usme likha tha ki no single issue has so adversely affected the communal harmony between Hindus and Muslims as the Ram Janmabhoomi Babri Masjid controversy. Average Hindu-Muslim riots mein bhi bahut vriddhi hui thi. From 400 between 1980 to 1985 to almost 700 between 1986 to 89 and from 1000 in 1990 to 2000 in 1993 in just 3 years. Lok Sabha 1989 ke chunav mein BJP ka spectacular performance hua. Do seatein thi, wo badhke 85 ho gaye. Iske piche one of the major factors was the Shila Pujan and the Shila Yatras and of course the Shila Nyas programs. Provocative processions ke saath Hindu Rashtravadi taakton ka rishta aur bhi purana hai. 1983 mein azadi ke baad pehli baar ekatmata yagya kiya gaya tha. Isme Hindu jin nadiyon ko pavitra mante hain उनमें से पानी लेकर देश भर में यात्राएं निकाली गई थी. यहां तक कि आरएसएस का गठन भी नागपुर में 1923 और 1924 के जो कम्युनल रायट्स हुए थे उन्हीं से कैटलाइज हुआ था. उस समय भी वहां के हिंदू गणेश विसर्जन के यात्रा के रूट पर उसी मुद्दे पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पॉपुलेशन से विवाद उठा था. संघ सर्कल्स में कहा जाता है आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार खुद ड्रम बजाते थे जब प्रोसेशंस निकलती थी मुस्लिम लोकैलिटीज के थ्रू. कम्युनल रायट्स जब जब इलेक्शन ईयर्स में हुए हैं, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और हाल के सालों में बीजेपी को इसका साफ लाभ मिला है. हमने 1989 की बात रखी. 2002 में गुजरात में इससे बीजेपी को कैसे फायदा हुआ था इसके बारे में आप सब जानते हैं. फंड रेजिंग के नाम पर पुनः यात्राएं छोटी ही सही निकालने का संभावना है. कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के बावजूद इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा. इस साल महत्वपूर्ण असेंबली इलेक्शंस हैं पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में और यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी में या पुद्दुचेरी में. 15 जनवरी को लॉन्च होने वाला फंड रेजिंग कार्यक्रम का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतिहास अगर दोहराएगा तो फिर बहुत अच्छी फ्यूचर हमको नजर नहीं आती. नमस्कार, ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद. Thank you.